बारे में बात करना चाहूंगा और मैं किसी की बुराई करके अच्छाई करके वो वाला जो राजनीति है मैं खत्म करना चाहूंगा। प्यार मोहब्बत की राजनीति लाना चाहता हूँ कि प्यार से सब लोग रहें और विकास के अलावा कोई भी चर्चा कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ विकास की ही बात करूँगा। औरंगाबाद जिला या गया जिला किसान की सबसे बड़ी समस्या उत्तरी कोयला है जो कई साल से चर्चा कर रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? जी, उत्तरी कोयल नगर फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। हमें लगता है कि 6 महीना से ज़्यादा समय नहीं लगेगा उत्तरी कोयल को लाने में आता और आपके सामने ये शायद होगा भी। अरे स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ रोहित में औरंगाबाद हूँ। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं औरंगाबाद के बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा के भाई प्रत्याशी हैं प्रवीण कुमार जी। इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। सर, अगर आपका भाजपा का तो जिम्मेवारी मिलेगा तो कौन सा एजेंडा लेकर आप फील्ड में जाइएगा? जी, मैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, सुरक्षा, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। स्वास्थ्य में यहाँ का हॉस्पिटल सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल होकर के रह गया है। काफ़ी बच्चों का भी मरने की खबर आई थी कि स्वास्थ्य में अच्छी मेडिसिन और अच्छे डॉक्टर नहीं होने के कारण हुई थी, तो स्वास्थ्य। इसके बाद शिक्षा में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के सेंट्रल स्कूल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, ये सब की पढ़ाई होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे पढ़ेंगे और प्लस ये सब बनाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा तो काफ़ी लोगों का बेरोजगारी भी दूर होगा, अपने आप दूर होगा बेरोजगारी। तो बेरोजगारी पर भी इसके साथ के साथ मैं काम करना चाहूँगा और अगर ज़रूरत पड़े और मौका मिले तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए। कोई अच्छा बड़ा फैक्ट्री नहीं है सीमेंट फैक्ट्री को छोड़ करके, उसको भी बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। 10 साल पर हम 70 साल के लाएंगे, यानी कांग्रेस यानी बीजेपी, आप लोग किस तरह मुकाबला में जीत पाइएगा? देखिए, 10 सालों में कार्य तो खैर बहुत ज़्यादा हुआ है, 70 साल में जो कार्य हुआ था उससे ज़्यादा कार्य हुआ है, वो तो आपको जनता ही बता रही होगी, उसके बारे में हमें बोलने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। 10 साल हमारा बेमिसाल रहा है, इसका कोई कहना ही नहीं है, बहुत ऊपर है। 10 साल में हम बहुत आगे और आने वाले समय में 5 साल के सामने हैं, उसमें और भी बहुत कुछ जो बचे हुए कार्य हैं वो होंगे। RJD वाले तो बोलते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में महंगाई आसमान छू रहा है, इस पर आप क्या कहना है? देखिए, मोदी जी के कारण कोई महंगाई नहीं है, जितना वो कंट्रोल करके रख लिए हैं वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, ग्लोबलाइज महंगाइयाँ आई थी कोरोना के कारण, अब कोरोना ही 100 साल के बाद आया तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी महंगाइयाँ बढ़ी थी, लेकिन आप देखिए ना, गैस सिलेंडर तक का तो कम कर दिया मोदी जी हमारे, और गैस सिलेंडर कम होने के कारण काफ़ी चीज़ें कम होने लगी और डीजल पेट्रोल पर भी काफ़ी कंट्रोल है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बोलते हैं कि सरदार चौधरी का अलग ग्रुप है और मोदी जी का अलग ग्रुप है, विजय सिन्हा जी का अलग ग्रुप है, बीजेपी एक ग्रुप में नहीं चल रहे, तो आप लोग किस तरीके से आप लोग देखिएगा सबका अलग अलग ग्रुप? देखिए, लोकतंत्र है और सबके मत अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी में मन भेद नहीं है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रचारित किया जा रहा है। सब लोग एक हैं, हर बैठक में सारे लोग एक साथ बैठते हैं और एक सहमति से कोई भी कार्य के लिए पारित होती है, जो भी प्रस्ताव वो पारित होती है। अगर आपका बीजेपी से जिम्मेवारी मिलता है औरंगाबाद लोकसभा में तो मुख्य एजेंडा आपको क्या रहेगा? देखिए, मुख्य एजेंडा मैंने जैसा पहले भी बताया, हमारा मुख्य एजेंडा, मैं यहाँ पर कार्य करना चाहूँगा और जो कार्य अधूरे रह गए होंगे, जैसे स्वास्थ्य हुआ और शिक्षा हुआ, सिंचाई हुआ, ये सब पर मैं प्रोग्रेस के बारे में बात करना चाहूँगा और मैं किसी की बुराई करके अच्छाई करके वो वाला जो राजनीति है मैं ख़त्म करना चाहूँगा। प्यार मोहब्बत की राजनीति लाना चाहता हूँ कि प्यार से सब लोग रहें और विकास के अलावा कोई भी चर्चा कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ विकास की ही बात करूँगा। औरंगाबाद जिला या गया जिला किसान की सबसे बड़ी समस्या उत्तरी कोयला है जो कई साल से चर्चा कर रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? जी, उत्तरी कोयल नगर फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। हमें लगता है कि 6 महीना से ज़्यादा समय नहीं लगेगा उत्तरी कोयल को लाने में आता और आपके सामने ये शायद होगा भी। अरे फिर भर्ती कर रहे हैं, जनता की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता का ही मन था तो हमें दावेदारी करनी पड़ी, ये जनता के मन ही है तभी हमें आना पड़ा राजनीति में। जनता का बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अगर बीजेपी की तरफ से आपको जिम्मेवारी मिलता है तो क्या देकर नेगा मिलेगा? 100% बीजेपी की तरफ से मिलता है तो कम से कम 1.5 लाख वोट जीतेंगे। आपने सर राजनीतिक में पहला कदम रखे हैं, क्या सोचकर राजनीति में पहला कदम रखे हैं? देखिए, बात सही है कि राजनीति में ऐसे तो हम बहुत पहले से 1992 से इन्वॉल्व है, छात्र राजनीति से लेकर के नौकरी तक भी, जहाँ नौकरी किया है वहाँ भी राजनीति में लोग इन्वॉल्व ही रहते हैं,
तभी एक वैक आदमी इस फील्ड में आता है। और राजनीतिक बहुत ज़्यादा मतलब पृष्ठभूमि नहीं रही है, ये बात सही है, लेकिन अब लगा कि समाज को भी कुछ समय दिया जाए, समाज को कुछ समय देने के लिए कि हम यहाँ पर राजनीतिक उतरे। ये बताइए सर, आपने अभी समाज की सेवा में क्या समाज सेवा की है? हम जहाँ भी लोगों के सुख दुख में हर जगह होता है, जैसे कि बेरोजगारी से रिलेटेड है, अकेला तो चारा भाड़ नहीं छोड़ता, लेकिन भरसक कोशिश करते हैं कि बेरोजगारों को अगर हमारे हाथों से कहीं पर रोजगार मिल जाए तो करने की कोशिश की है। लोगों को मंदिर मस्जिद जा करके वृक्षारोपण करना, ये करना, जो भी होगा सुख दुख में सबों के साथ खड़े हैं, क्योंकि कोई दायित्व बहुत बड़ा हमारे पास नहीं रहा है कि कोई फंड बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल हो जिससे कि लोगों को हम और कार्य कर सकें। अपनी जो कैपेसिटी है उसमें बिना पैसे के जो हो सकता है, जो कार्य हो सकता है, वो कार्य हमने किया है। क्या मोदी जी हाइट अच्छा कमाता है 100%? वो तो सब लोग बोल रहा है, वो तो आपको सर्वे रिपोर्ट भी दिखा देगा कि तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।